तो फ्रेंड देख सकते हैं मार्क्स कैसे चेक करना है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया है देख रहे हैं ये पेज ओपन हो रहा है ड्यू टू नेटवर्क इशू। तो नेटवर्क आपका जो है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है सबमिट कर के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो जो है आपका जो है मार्कशीट, कितने मार्क्स हैं, क्या है, क्वेश्चन वगैरह कितने अटेम्प्ट किए हैं, सारे आपको डिटेल्स वहाँ प्रोवाइड कराए जा रही है। तो चलिए दिखाते हैं, इसके साथ ही इस तरह आप चेक कर सकते हैं। और चलिए एग्ज़ाम कैसे देते हैं जो डेमो है उसको एक एक करके दिखाते हैं आपको। तो क्लिक करके देखते हैं, ये इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट मॉक लिंक जो है इस पर, उसके बाद हिंदी टाइपिंग एक एक करके। तो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो ये देख रहे हैं कुछ पेज ऐसे ओपन हो रहा है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और इस तरह जो है आपका सिस्टम नेम, जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जो है इसी तरह सिस्टम नेम लिखा रहेगा जो आपको सिस्टम अलॉटमेंट किया गया है वहाँ पे। यहाँ पे आपका नेम होगा और फोटोग्राफ भी होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है डमी दिया गया है, तो यहाँ पे कैंडिडेट, यहाँ पे आपका नेम होगा और यहाँ पे टाइपिंग एग्ज़ाम होगा जो आपका लिया जाएगा, और यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगी। इस तरह आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी है लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो नेक्स्ट आपका पेज ओपन होगा। तो ये देख रहे हैं पेज ओपन हो रहा है। ड्यू टू नेटवर्क इशू, तो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और इसमें क्या क्या सारी बातें हैं इसको जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको जो है इमेज शो करेगा और नेम, तो इंस्ट्रक्शन जो है इसको फॉलो क्या करना है, क्या क्या बातें कही गई हैं देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट लिखा गया इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दिया गया है, तो क्या है, सारी बातें इंग्लिश में हैं लेकिन उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताया जाएगा कि क्या क्या सारी बातें कही गई है। तो देख सकते हैं रीड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, रीड द इंस्ट्रक्शन गिवेन इन ऑर्डर टू अवॉइड डिसक्वालिफिकेशन, जो भी सूचनाएं हैं आपको दिया गया है उसको आपको पालन करना है, अगर नहीं पालन करते हैं तो आपको जो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। एरर एंड टाइमली लॉस, आपका जो भी समय है सब समय बर्बाद हो जाएगा। आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, जो भी आपको सूचनाएँ हैं उसको सावधानीपूर्वक पढ़ के, और चेक बॉक्स टू क्लिक प्रोसेस, चेक बॉक्स एक हो दिया जाएगा उस पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे आप। डू नॉट यूज स्पेशल की, कोई भी स्पेशल की यूज नहीं करना है, जैसे आपको स्टार है जो वगैरह जो कि एक्स्ट्रा की, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन टाइम में नहीं करना है। विच इज़ नॉट नेसेसरी, जो कि आवश्यक नहीं है, फॉर द टाइपिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड्स के टाइपिंग में जो आवश्यक नहीं है। डू नॉट टाइप एनी स्पेशल कैरेक्टर सिम्बल, कोई भी सिम्बल जो आप वो यूज नहीं करना है अगर उसमें नहीं दिया गया है तो। सिंबल एक्सेप्ट दोज मेंशन इन द गिवन पैसेज, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं करना, यूज करना है लेकिन जो पैसेज में दिया गया है वहीं यूज करना है, अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। टाइप द वर्ड मेंशन इन द डिस्प्ले टेक्स्ट विदाउट एनी, जो भी आपको वर्ड्स सब दिया जाएगा उस डिस्प्ले पे स्क्रीन पर, इस तरह आपको बिना किसी एरर के, गलतियों के जो है आपको टाइप करना है। बैक स्पेस जो है आपको दिया जाएगा अलाउ, उस वर्ड को फिर से
करेक्ट करने के लिए डिले एंड एरो की में भी आप यूज कर सकते हैं एंड व्हेन नीडेड, जब आवश्यकता हो तो डिलीट की भी यूज कर सकते हैं एरो की आप उसको जो है त्रुटियों को सुधारने के लिए। वी पेशेंट ड्यूरिंग एग्जाम, आप धैर्य रखें एग्जामिनेशन में एंड कीप कॉल और सहयोग करें सभी का, कोई भी ऐसी कार्य नहीं करें जिससे कि किसी भी जनधन या किसी भी परेशानी कोई भी उठानी पड़े संस्था को या टाइपिंग में किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। यू कैन कॉन्टेक्ट द सेंटर इंचार्ज फॉर एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो आप सेंटर के इंचार्ज जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे क्या है समस्या में, अब आपका जैसे आपका कीबोर्ड एरर आ रहा है तो आप इस कीबोर्ड एरर के लिए संपर्क कर सकते हैं। मशीन ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है तो आपको जो है संपर्क करना है अपने इंचार्ज से। पावर इंटरप्शन, जो पावर सप्लाई है वो सही से नहीं आ रही है तो उसका लिए संपर्क कर सकते हैं। ब्राउजर क्रैश कर गया, आपको टाइपिंग नहीं हो रहा है तो उससे संपर्क कर सकते हैं। आर्टिफिशियली एक्सपायरिंग सेशन, ऑटोमेटिक जो है सेशन एक्सपायर हो जा रहा है।